हेलो डियर डिवाइन सोल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी टैरो रीडिंग्स और अदर स्पिरिचुअल वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही मुझे फॉलो कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरे दूसरे चैनल्स और सोशल मीडियाज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है व्हाट इज गोइंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तीन पाइल्स है हमारे पास में, चूज कीजिए अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर एक पाइल आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी या तीसरी पाइल पर जंप कर सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर होने वाली रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, तो ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो चलिए आपके सामने तीन पाइल्स है। द फर्स्ट पाइल फॉर योर चॉइस इज दिस, मैंने इसके ऊपर रेड जेस्पर स्टोन रखे हुए हैं। द सेकेंड पाइल इज दिस वन, इस पर मैंने यहाँ पर ब्लड स्टोन रखा हुआ है। एंड द थर्ड पाइल इज हियर दिस वन, इस पर मैंने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल स्टोन्स रखे हुए हैं। तो आप जिस भी स्टोन की तरफ या जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप उनमें से किसी एक पाइल को, आप चाहें तो दोनों पाइल्स को और चाहें तो आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। टेक योर टाइम, आप चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम लीजिए और अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने लिए पाइल चूज कीजिए। और हम शुरू करेंगे रीडिंग पाइल नंबर वन यानी रेड जेस्पर के साथ। सो पाइल नंबर वन वी हैव फॉर यू द टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। वेरी पॉजिटिव, वेरी अबंडेंट कार्ड, सोलमेट्स कार्ड, दैट्स नाइस। एंड द थर्ड कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। एंड देन वी हैव ग्रीन डाइट एगेट कार्ड, पिलर ऑफ द लाइट कार्ड, एंड हियर इज द फिफ्थ डायमेंशन कार्ड। वेरी पॉजिटिव पाइल वी हैव फॉर यू who have chosen red jasper, and here we have the intuition card and some of the messages from your loved one. So overall pile number one, you have all the very very positive cards and the reading is going to be a very very good reading. So pile number one, we have first of all a very positive card for you, which is a 10 of pentacles card, and the other card which is a very promising card is this soulmates card for you. And then we have wheel of fortune, by that we have received in reverse, so that is again a very very positive sign for you. देखिए सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है टेन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसमें गौतम बुद्धा बने हुए हैं जो कि आराम से यहाँ पर लेटे हुए हैं, एंड आई थिंक उनके कुछ डिसिपल्स उनको पीछे से देख रहे हैं, एंड चारों ओर ये फूल हैं जो बरस रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गौतम बुद्धा सो रहे हैं और उनके ऊपर पेड़ पर से फूल बरस रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रीवियसली आपकी लव लाइफ में कोई भी बर्डन्स रहे होंगे, शायद रहे होंगे, लेकिन अभी आपने और आपके जो भी पार्टनर हैं उन्होंने इन बर्डन्स को छोड़ देने के बारे में सोचा, यानी कि पुरानी बातों को जाने देते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम एक लेगेसी बना सकते हैं, साथ मिलकर हम एक फैमिली बनाएं, हम आगे बढ़ें, हम अपनी पुरानी चीज़ों को, सारी चीज़ों को जाने दें। और अब तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस रिलेशन में अब तक केवल ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे का सपना देख रहे थे, या शायद आप अपने पर्सन का सपना देख रहे थे, यानी यू वर इन अ ड्रीमिंग स्टेट, क्या पता कभी वो लौट के आए आ जाए। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि रियलिटी में ही और शी हैज कम बैक, उन्होंने आपके साथ में एक कमिटमेंट देने की इच्छा जाहिर करी है कि मैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में एक फैमिली क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में अपनी फ्यूचर को देखता हूँ, आपको अपना एज अ फ्यूचर स्पाउस मैं आपको देखता हूँ। अब आप दोनों की जिंदगी में एक मैच्योर पर्सपेक्टिव के साथ रिलेशन को देखने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमैच्योरिटी बहुत हो गई, नादानी बहुत हो गई, बचपना बहुत हो गया, चलो अब सिंसियरली इस रिलेशन को आगे ले जाया जाए। इस तरह के आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। देखिए अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो आप इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरी पाइल्स पर भी जा सकते हैं। अगर अब तक आपको रेजोनेट करा है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ये जो कार्ड है ना, ये सिक्योरिटी का कार्ड है, ये मैच्योरिटी का कार्ड है, ये अबंडेंस का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है, ये फैमिली का कार्ड है। तो एक ही कार्ड में बहुत सारी बातें आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाती है। जब
जब टेन ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग हमारे पास में आ जाती है तो हम ये अश्योर कर सकते हैं कि हाँ ये कमिटेड रिलेशनशिप है, ये एक लॉयल रिलेशनशिप है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो। और वैसे भी टेन ऑफ पेंटिकल्स में कार्ड नंबर जो टेन है, टेन का मतलब होता है कि मेजर साइकिल्स आपकी लाइफ में एंड हो गई। शायद अगर आपके बीच में कोई बैड साइकिल पहले चल रहा था तो वो अब एंड हो चुका है। इसके बाद दूसरा कार्ड जो हमारे पास में आया है आपके लिए, विच इज द सोलमेट कार्ड, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें पेंगुइन का पेयर बना हुआ है और एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन पे बड़े रिलाय कर रहा है, यानी कंधे पर आराम से उसमें रेस्ट कर रहा है चारों, और रेड हार्ट्स हैं यहाँ पर, चाबी बनी हुई है और बहुत ही सरीन इसका एनवायरमेंट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली आप अपने जिस पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, वो आपके ट्रू पार्टनर हैं, जो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं या कर रहे हैं और ऑलरेडी आपको एक अच्छा सपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कार्ड नंबर 41 का जो कार्ड होता है ये पर्सनल फ्रीडम का कार्ड होता है। इस रिलेशनशिप में आप बंधा बंधा महसूस नहीं करते, एक दूसरे के साथ होते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हमने एक दूसरे को बांध रखा है या आपको बांध कर रखने की कोशिश की जा रही है या आपकी फ्रीडम पर अटैक किया जा रहा है या आपको बिना वजह के चेज किया जा रहा है या आपको बिना वजह के आपकी नैगिंग की जा रही है, इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है। इसमें आप दोनों को ही एक पर्सनल स्पेस आप देते हैं, आप एक साथ होते हुए भी आप फ्री हैं, एक हार्मोनियस पार्टनरशिप में है आपकी, एक अपने साथ दोनों की एक साथ में लाइफ है, कॉमन लाइफ है, और इसके अलावा दोनों की एक अलग अलग पर्सनल लाइफ भी है। आप उनकी पर्सनल लाइफ में स्पेस में दखल नहीं करते, वो आपकी पर्सनल स्पेस में दखल नहीं करते, इस तरह का एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है। आप दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉक बना हुआ है, यहाँ पर की बनी हुई है, लॉक एंड की तरह आप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स हैं, लेकिन आप दोनों के इंडिविजुअल अस्तित्व भी हैं, एक दूसरे से अलग हटके भी आपके अस्तित्व हैं। और इसी तरह की जो रिलेशनशिप होती है यही ट्रू पार्टनरशिप है, यही ऑथेंटिक रिलेशनशिप यही होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चेज करता रहे, एक व्यक्ति पजेसिव हो, दूसरा व्यक्ति उससे भाग रहा हो, रनर चेजर जैसी स्थिति हो, या आपको रिलेशनशिप में बंधा हुआ फील होता है, तो वो एक अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती है। एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करना, अपने टैलेंट्स को एक्सचेंज करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के इवोल्यूशन में हेल्प करना, एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करना, पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करना, इस तरह का ये रिलेशनशिप है आपका। एक दूसरे के सपने को पूरा करना आपका सपना है, उनका सपना पूरा हो या आपका सपना है, और आपका सपना पूरा हो वो उनका सपना है, इस तरह की एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप मुझे इसमें नजर आ रही है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो एक काफी कार्मिक कार्ड होता है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियसली आपके और इनके बीच में एक लेंथी कार्मिक साइकिल चल रही थी, एक टफ टाइम चल रहा था, जबकि आप दोनों शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, या आप उन पर ब्लेम लगा रहे हैं या वो आप पर ब्लेम लगा रहे हैं, या आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इस तरह का कोई साइकिल, इस तरह का कोई टाइम पीरियड डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में रहा होगा। लेकिन अगेन ये भी कार्ड नंबर 10 है, यानी कि एंडिंग मेजर साइकिल्स आप दोनों की रिलेशनशिप में चेंज हुई है, आप दोनों अवेयर हुए हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर अवेयर हुए हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अवेयर हुए हैं, और एक दूसरे को जो टाइम और स्पेस आप लोगों ने दिया उसकी वजह से एक समझदारी क्रिएट हुई है। अब आप कोई फुलिश डिसीजंस नहीं लेना चाहते, और अब आप नहीं चाहते कि अब आपकी जिंदगी में आप दोनों की लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल आए, इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टेकल आए। जो भी पास्ट में आप दोनों ने गलतियां की होगी उससे आपने सीख ले ली है, और अब ये रिलेशनशिप के अंदर का जो बैड कर्मा था मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो चुका है। तो काफी अच्छे एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और उसके बाद आपके लिए ग्रीन डायड एगेट, ग्रीन कलर जो होता है ये भी हार्ट चक्रा का कलर है, तो आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव है, आप दोनों के हार्ट्स एक दूसरे के लिए ओपन है, ओपनली लव को देने और रिसीव करने की एनर्जी है। चैलेंजिंग टाइम को बहुत ही प्यार के साथ, अभी भी चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, अभी भी चैलेंजेस हो, लेकिन समझदारी के साथ में एक साथ हाथ पकड़कर चीजों को कैसे हम आगे लेके जाएंगे, इस बारे में आप दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ गई है। और यहाँ पर पीछे फ्रॉग बना हुआ है, इस पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि आप दोनों ने अननेसेसरी क्लटर, अननेसेसरी टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज कर दिया है, अपने अंदर से कुछ क्लीन किया है, कुछ क्लियर किया है, पीस से भरी हुई ये रिलेशनशिप को आप बनाना चाहते हैं, और इसको एक जैसे मैंने बताया कि आप लेगेसी की तरह इसको आगे लेकर जाते हैं, अपनी आगे जनरेशंस को इस रिलेशनशिप की
इस व्यक्ति के साथ आप अपनी अगली जनरेशंस को देखना चाहते हैं, उनके साथ एक फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, या इंट्यूशन कार्ड आया, लिसन टू योर इनर विजडम, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने कहा कि प्रीवियसली डेफिनेटली आप इनके साथ कुछ बैड साइकिल जरूर से चल रहा होगा, लेकिन आपने अपनी इनर विजडम से काम लिया, अपने इंट्यूशन से काम लिया, और आप कहीं ना कहीं फिफ्थ डायमेंशन कार्ड भी है, तो आपने अपनी हीलिंग या तो करी है, या आप एक आपने चीजों को स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाकर समझा है, आपका सोल डेवलपमेंट हुआ है, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से आप रिश्तों की गहराई समझने लगे, लोगों की आपको सही परख होने लगी। और यहाँ पर पिलर ऑफ लाइट कार्ड भी है, यहाँ लिखा योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर दी ओरेकल, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक वाइस विजडम आपके अंदर एक क्रिएट हुआ है, आपकी एनर्जीज रेज होने की वजह से, आपके हायर वाइब्रेशन में होने की वजह से इस रिलेशनशिप में पहले की तुलना में अब काफी सुधार आया है, ऐसा मुझे लगता है। और आपके लिए तीन हमने यहाँ पर मैसेज कार्ड भी निकाल के रखे हैं, जो आपके लव्ड वन आपको कहना चाहते हैं। इस पर लिखा है इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, जैसा कि मैंने आपको बताया ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं और आपके साथ अंत तक रहना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपके साथ में ओल्ड होना उनके लिए बहुत एक ग्रेट एक्सपीरियंस रहेगा। दूसरा आपके लिए मैसेज है यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वांट मी टू गो, अगेन देखिए इस कार्ड की वाइब्स इस मैसेज से कितनी मिलती हैं, आप मुझे इस तरह से होल्ड करते हो जैसे कि आप मुझे कभी नहीं जाने देना चाहते, तो बहुत ही रेस्पेक्टफुल, बहुत ही ब्लिसफुल रिलेशनशिप की यहाँ पर एनर्जीज है। यू मेक मी फील अडोर्ड, और आप मुझे अडोरेबल फील करवाते हो, आप मुझे प्रशंसा के काबिल फील कराते हो, आप मुझे अच्छा फील कराते हो, तो बहुत ही रेस्पेक्टफुल, बहुत ही लविंग केयरिंग वाइब्स आपकी इस रिलेशनशिप में है। डेफिनेटली अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ हैं तो उनके साथ कि अपनी रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी वाइब्रेशनल लेवल को आपको रेज करने की कोशिश करना चाहिए, आपको अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और अपनी इंट्यूशन यानी अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। जितना जितना आप अपने दिल की आवाज को सुनेंगे, जितना आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करेंगे, और जितना आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेंगे, उतना ही अधिक इनके साथ के आपके रिलेशन मजबूत होते जाएंगे। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर वन के लिए, और अब शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर टू के लिए। सो फॉर पाइल नंबर टू वी हैव द वर्ड कार्ड, द टेम्परेंस कार्ड, अर्धनारीश्वर कार्ड है, ये शक्ति का कार्ड है, अर्धनारीश्वर कार्ड, न्यू लाइफ कार्ड, एंड उसके बाद इस साइड पर अगर हम देखेंगे तो आपके लिए कार्ड आए हैं हमारे पास में स्मोकी क्वार्ट्ज पॉइंट, देन ऑनेस्टी कार्ड, माइंड कंट्रोल कार्ड, और अगर आपके लिए हम इस तरफ बाकी कार्ड्स की बात करें तो आकाशा कार्ड, विच इज द आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड, और उसके अलावा तीन मैसेजेस आप लोगों के लिए जिन्होंने चूज किया था, ये ब्लड स्टोन को चूज किया था। थोड़ा सा चैलेंजिंग है आपके लिए रीडिंग आज की, लेकिन देखते हैं कि क्या एनर्जीज बताना चाहती हैं इन कार्ड्स के बारे में। सो पाइल नंबर टू विच जिन्होंने चूज किया था ब्लड स्टोन को, जिन्होंने चूज किया था आप लोगों के लिए, जो पहला कार्ड आया वो वर्ड कार्ड आया है, कार्ड नंबर 21 है। 21 जो नंबर होता है लीडरशिप का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, और अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे पार्वती बने हुए हैं जो शिव की आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पावर में भी है, वो अपनी शक्ति में भी, ऐसा नहीं है कि वो स्वयं पावरफुल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में, और दूसरा कार्ड जो इम्पॉर्टेंट कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस कार्ड, जो अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जरूर से ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। जो फर्स्ट ट्रायल आई थी वो सोलमेट कनेक्शन की थी, और बहुत ही अच्छी बैलेंस इक्वेशन थी वहां पर, और यहाँ पर सेकेंड नंबर पर मुझे जो कार्ड नजर आ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम रिलेशन के कार्ड नजर आ रहे हैं। और मोस्ट पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि जो रीडिंग देखने वाले जो पीपल होंगे इसके अंदर, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के अंदर होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो डिवाइन फेमिनाइन शक्ति का कार्ड आया है, तो और कार्ड नंबर 21 है, तो डिवाइन फेमिनाइन अपने लीडरशिप रोल में है, आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर सुपर नेचुरल शायद पावर्स हों ऐसा आपको महसूस होने लगा है, आप सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आप प्रयास कर रहे हो, इसकी काफी संभावना है, इस कार्ड की ऐसी एनर्जी है। और
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से, इस लव रिलेशन की वजह से आपके अपने अंदर की वीकनेसेस, आपके अंदर की टॉक्सिक एनर्जीज बाहर निकल के आई हैं। आपको खुद अपने आप के बारे में बहुत सारी ऐसी रिवेलेशंस हुए होंगे, ऐसे आपको पता चला होगा कि मेरे अंदर इस तरह की वीकनेसेस थी, या मेरे मुझे इस तरह के सुधार की जरूरत थी, या मुझे ऐसे डेवलपमेंट की जरूरत थी। ये जो आपको मेजर एपिफेनीज इस रिलेशनशिप की वजह से हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर किया है, या बहुत बुरी तरीके से आपको इवोक किया, प्रोवोक किया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, और आप इस तरह की एनर्जी में आओ कि यस आई एम पावरफुल, आई एम नो मोर पिटी, मेरे ऊपर दया करने की जरूरत नहीं, या मैं कोई दया का पात्र नहीं हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप पहले शायद काफी ऑब्सेसिव एनर्जीज में रहे होगे, लेकिन इस वक्त की आपकी जो एनर्जीज है, जो स्ट्रेंथ की तरह की जो एनर्जीज है, यानी नो मोर ऑब्सेशन, नो मोर पिटी, मैं जो हूँ आई एम इनफ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ, आई डोंट नीड सपोर्ट ऑफ एनी मेल, और आई डोंट नीड सपोर्ट ऑफ अदर पर्सन्स लव, इस तरह की ये पावरफुल एनर्जी इसके अंदर है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मे भी आपका ये ट्विन रिलेशन हो, अगर नहीं भी हो तो भी आप जिस तरह के रिलेशनशिप में आप रहे हैं, ये रिलेशनशिप काफी चैलेंजिंग रिलेशन रहा है आपके लिए, और इस रिलेशनशिप ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट का काम कर सकें। और दूसरा जो कार्ड है आपके, ये टेम्परेंस कार्ड है, कार्ड नंबर 14 है। जो टेम्परेंस में जो नॉर्मली आप देखते हैं कि उसमें दो कप्स को एक एंजल जो होते हैं वो मिला रहे होते हैं, पोर कर रहे होते हैं वाटर बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस में अर्ध नारीश्वर बने हुए हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है दो एनर्जीज के बैलेंस होने की, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने की। वेदर यू आर अ ट्विन फ्लेम और आप कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक तरह का बैलेंस आ रहा है, आपके अंदर एनर्जीज का बैलेंस आ रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से। कहीं ना कहीं आप अपने आप को अच्छी तरह से समझने लगे, आप मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह समझने लगे, आपको लोगों की पहचान हुई है, आपको अपनी पहचान हुई है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि आप अब अपनी पावर में आ गए, इसलिए आपके जो ट्विन है या आपके जो पार्टनर है, ये आपके साथ अब बैलेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ हार्मनी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनली बैलेंस है, इंटरनली आपने कहीं ना कहीं एक मिडल ग्राउंड अपने लिए या एक बैलेंसिंग पॉइंट अपने लिए ढूंढ लिया, और क्योंकि आप अब अपने अंदर से बैलेंस्ड है, क्योंकि आप अपने अंदर से आप बिल्कुल संतुलित हैं, तो आपके जो ट्विन है या आपके जो पार्टनर है वो भी आपको इसी तरह का बैलेंस ऑफर करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मे भी पहले आप उनके साथ आप उनको चेज करते रहे हो, या बहुत ऑब्सेसिव हो उनके बारे में, या बहुत परेशान होते रहते हो उनको लेकर कि ये मेरे से मेरे लिए क्या चाहते हैं, मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं, लेकिन आपने अब अपनी प्यार को कहीं कहीं मॉडरेट कर लिया, आपने अपने आप को ग्राउंड कर लिया, आपने अपने आप को बैलेंस में ले आए हैं, और इसकी वजह से ये रिलेशनशिप भी धीरे धीरे बैलेंस में आ रहा है। इसके अंदर की भी जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो जा रही है, इस रिलेशनशिप में पीस आ रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर से शांति में, इसलिए आपके आपके रिलेशनशिप में भी शांति आ रही है, और आपने अपने इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनाइन को डेफिनेटली बैलेंस करने का काम किया। मैं भी आप चक्रा बैलेंसिंग का काम कर रहे हो, तो आपके अंदर इनर यूनियन हुआ है, और उसका इफेक्ट रिलेशनशिप पर नजर आने लगा है। पहले जो रिलेशनशिप काफी ऑफ बीट हुआ करती होगी, अब वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक वननेस की फीलिंग आपको आ रही होगी, या आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग आ रही होगी, विदाउट लव विदाउट एक्सपेक्टेशन, इस तरह का ये रिलेशनशिप मुझे कहीं कहीं लगता है कि आप इसमें सेपरेट होते हुए भी आप सेपरेशन फील नहीं करते हो, या आपका सेपरेशन इसलिए एंड हो गया क्योंकि आपने अपने पार्टनर को एक अनकंडीशनल लव देना शुरू कर दिया, इस तरह की आपकी इस कार्ड की एनर्जी है। और तीसरा जो आपके लिए कार्ड है, न्यू लाइफ कार्ड है। मैंने बोला है ना आपको कि आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक नए रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी के साथ शुरुआत हो, ऐसा मुझे लगता है। कार्ड नंबर 39 का मतलब ये है कि आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हैं, इस रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन देने के लिए तैयार हैं, इसमें कुछ आप नई एनर्जी लाने के लिए तैयार हैं, और न्यू लाइफ का ये भी मतलब है कि आपने क्योंकि अब आप बैलेंस में है, इसलिए आप जिंदगी को देखने का नजरिया आपका बदल गया, रिलेशनशिप्स को देखने का आपका नजरिया बदल गया, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा जो नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो स्मोकी क्वार्ट्ज कार्ड है। तो डेफिनेटली आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी पर कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में जो
नेगेटिविटीज आप फील कर रहे होगे पहले, वो अब आप नहीं फील करते हो, आप ज्यादा पावरफुल फील करते हो। चाहे इस व्यक्ति के आप साथ हैं या सेपरेटेड हैं, अब आप रिलेशनशिप्स को हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप अपनी जिंदगी को हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इस रिलेशन ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत अधिक पॉजिटिवली, आपको बहुत अधिक चेंज किया हो, और अब आप रिलेशनशिप को, लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हैं। आपका अटेंशन रीफोकस हुआ है, आप ज़्यादा फोकस्ड हुए हैं, आप यूनिवर्सल एनर्जीज पर ज़्यादा फेथ करते हैं, आप अपने आप को ज़्यादा सेफ फील करते हैं अब इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर पीछे की तरफ जो कार्ड है, यहाँ जिराफ बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ भी है जिराफ। आई इजीली मेंटेन अवेयरनेस ऑफ द इंटेंडेड आउटकम एंड रिलीज डिस्ट्रैक्शन। डेफिनेटली पहले इस रिलेशनशिप में आपके दोनों के बीच में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन रहे होंगे, आप आउटकम पर ज्यादा फोकस करते होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि आपकी जिंदगी जीने का आपका नजरिया बदल गया, आप ज्यादा अलाइन हैं, आप अपने दिल की आवाज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आप ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे, ऐसे आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ज्यादा हैप्पीनेस के साथ इस रिलेशनशिप के साथ अब आप डील करते हैं। आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव है, आपके अंदर एक बैलेंस है, और उसी का इफेक्ट इस रिलेशनशिप पर आ रहा है कि रिलेशनशिप भी धीरे धीरे पॉजिटिवली चेंज हो रही है। और यहाँ पर माइंड कंट्रोल का कार्ड है आपके लिए, और ऑनेस्टी का कार्ड भी है। पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति रही होगी, आप उनको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं या वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, और इस चक्कर में कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट हो रहे थे आप उनके साथ या वो आपके साथ डिसऑनेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब समय के साथ में जैसे जैसे आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आया या आपके पर्सन के अंदर सेल्फ कंट्रोल आया, आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा ऑनेस्टी से कंट्रोल बिहेवियर के साथ अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये भी रिलेशनशिप शुरुआत में शायद या कुछ समय पहले काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से इस रिलेशनशिप में सुधार आया, ऐसा मुझे लगता है। काफ़ी कुछ पाइल नंबर वन से मिलती जुलती ये रीडिंग है, लेकिन वहाँ सोलमेट कार्ड आया था, यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड नज़र आया है, और आपके लिए आकाश का कार्ड भी है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में भी कार्मिक एनर्जीज रही होंगी, आकाशक रिकॉर्ड का कार्ड है, लेकिन समय के साथ में आप दोनों के बीच में कर्मा डिजोल्व होते जा रहे हैं, नेगेटिविटी डिजोल्व होती जा रही है, एंड यू आर मोर रेडी टू एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर। वो भी आपको उसी तरीके से लेना, एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे आप हैं, और आप भी उनको वैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं जैसे कि वो हैं। और अब आपके लिए मैसेजेस, आपके पर्सन क्या कहना चाहता है, आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट। मैंने बोला था ना कि आपके बीच में शायद पहले ट्रस्ट इश्यूज थे, ऑनेस्टी के इश्यूज थे, लेकिन अब आपका एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, या तो आपका उनके प्रति या उनका आपके प्रति या दोनों का एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। आपके व्यक्ति आप पर भरोसा करना चाहते हैं। और दूसरा मैसेज है, यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पहले उतने ऑनेस्ट नहीं होंगे आपके साथ, पहले उनके और आपके बीच में काफ़ी कार्मिक नेगेटिव एनर्जीज रही होंगी, लेकिन आपके व्यक्ति इस बात के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं कि वो चाहे कितने भी बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव करते रहे हों, लेकिन आपने उन पर गिव अप नहीं किया, आपने उनको अनकंडीशनल लव देना बंद नहीं किया। और यहाँ पर लिखा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। और आपके पर्सन आपको एक बहुत अच्छा मित्र मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, चाहे आप उनके साथ हैं या आप उनके साथ नहीं हैं, वे आपके साथ में एक फ्रेंडली बॉन्ड का हमेशा एक्सपीरियंस करते रहे, आपकी तरफ से एक अनकंडीशनल लव उनको मिलता रहता है, इसका एक्सपीरियंस उनका उनको होता रहता है। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर टू के लिए, और आप शुरू करते हैं पाइल नंबर थ्री के लिए रीडिंग। पाइल नंबर थ्री के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है नाइन ऑफ डिस्क यानी नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, शक्ति कार्ड विच द एम्प्रेस कार्ड, पॉइज्ड कार्ड, और इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए है आयोलाइट कार्ड, दिस इज आर्कएंजल राफाइल कार्ड, एंड देन वी हैव कॉपरेशन कार्ड, और नीचे की साइड जो मैंने कार्ड्स रख रखे हैं यहाँ पर, दिस इज द प्ले कार्ड, एंड देन वी हैव मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर पार्टनर, योर पर्सन। और जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर थ्री को यानी कि क्लियर क्वार्ट्स को, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आई है। तो पाइल नंबर थ्री में जिन लोगों ने चूज किए थे क्लियर क्वार्ट्स, आपने चूज किए थे, आप लोगों ने ये जो कार्ड्स हैं एम्प्रेस कार्ड, आयोलाइट कार्ड, पॉइज्ड कार्ड, और यहाँ पर हमारे पास है नाइन ऑफ डिस्क कार्ड, जो चार इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो मुझे नज़र आता है कि मे बी आप दोनों अलग हैं, आप दोनों सेपरेटेड हैं, आप दोनों के बीच में फिजिकल गैप है, लेकिन
किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं नजर आ रहा। ऐसा लगता है कि आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में ये सेपरेशन आपने एक्सेप्ट किया है कि किया मे बी शायद करियर की वजह से, स्टडी की वजह से, या फैमिली रीजंस की वजह से, या किसी और तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में इस समय में सेल्फ खुद के लिए समय निकालना चाहते हैं। शायद आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं, आपकी कोई स्टडी, कुछ भी व्हाटएवर, जिसकी वजह से आपने एक दूसरे के साथ में इस समय में अलग रहना तय किया है। लेकिन अलग रहते हुए भी यहाँ सेपरेशन वाली फीलिंग नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप दुखी हैं या आप उदास हैं। दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने आप में खुश हैं, या अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फोकस रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर पर काम करें, अपनी स्टडीज पर काम करें। सेल्फ सफिशिएंसी की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आती है। और दूसरा जो आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पर, द एम्प्रेस कार्ड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एम्प्रेस जो है ये प्रेग्नेंट लेडी है। यहाँ पर शी इज़ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट। तो एक जेस्टेशन पीरियड चल रहा है आपके इस रिलेशन के बीच में, डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है। आपको पता है कि जो कुछ भी निकल कर आएगा वो अच्छा ही निकल कर आने वाला है, क्योंकि नहीं आप किसी तरह के नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की जा रही है। तो आप एक रेस्ट और रिलैक्सेशन के माइंडसेट में है कि चलो देखते हैं जब सही समय होगा तब, या जब राइट टाइम आएगा तब जो भी डेवलपमेंट होने हैं वो डेवलपमेंट हो जाएंगे। तो उत्सुकता है, उत्साह है, लेकिन ईगरनेस नहीं है, उस तरह का व्यग्रता नहीं है, उग्रता नहीं है इस रिलेशनशिप में। आप भी कंफर्टेबल हैं, वे भी कंफर्टेबल हैं, आप भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, वे भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और जब एक दूसरे के साथ में आप अलग हैं तो बैलेंस के साथ में भी आप बातचीत में होंगे, मे बी आप कनेक्शन में होंगे, लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने करियर में डेवलप कर रहे हैं, अपने अपने रिलेशनशिप में अच्छा कर रहे हैं, और एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं हद तक संभाल के रख रखा है, एक दूसरे को भी इमोशनल हर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास आपके लिए यहाँ पर डॉग कार्ड मैंने यहाँ पर देखा था, यस ये आयोलाइट कार्ड जो है इसके बैक साइड पर यहाँ पर डॉग कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल हैं, फेथफुल हैं, और आप दोनों को एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि यदि आप साथ नहीं भी होंगे, अगर अलग अलग भी होंगे, तो वो आपके प्रति लॉयल रहने वाले हैं या आप उनके प्रति लॉयल रहने वाले हैं। और इसलिए इस रिलेशनशिप में अगर कहीं पॉज भी आ गया, अगर कोई रुकावट भी आ गया, अगर कोई सेपरेशन भी आ गया, तो आप उसके लिए रेडी हैं। आप इस रिलेशनशिप को एक गैप के बाद में भी पॉजिटिवली आगे ले जाने के लिए रेडी हैं। इसमें कोई नए डेवलपमेंट अगर हो रहे हैं तो उनके लिए भी आप रेडी हैं। आप एक अच्छे कंपेनियनशिप के लिए रेडी हैं, चाहे भले ही वो आप कमिटमेंट में ना चेंज हो पाए तो भी, अगर ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में ना चेंज हो पाए तो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ओपन हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसी व्यक्ति के लिए वेट कर रहे हैं या ये आप ही के लिए वेट कर रहे हैं, आप दूसरे रिलेशनशिप्स के लिए भी ओपन है। मे बी आप ओपन एंडेड आपकी रिलेशनशिप हो, आप दूसरे लोगों से भी मिलजुल रहे हो, आप बात कर रहे हो, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर फीलिंग आती है। और ये सारे ही कार्ड एक के बाद एक ही तरह की बात कही जा रहा है। नाइन ऑफ डिस्क काफ़ी स्वतंत्रता का कार्ड है, काफ़ी इंडिपेंडेंट कार्ड है। तो कोडिपेंडेंसी वाली बात यहाँ पर नहीं है कि ऑब्सेशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। प्यार होते हुए भी अपनी लाइफ, मेरी भी एक अपनी लाइफ है, मेरी भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, उसके साथ में आगे बढ़ूँ ऐसे यहाँ पर, और अलग होते हुए भी लॉयल रहूँ, इस तरह की बहुत ही बैलेंस, बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप है आपकी इस व्यक्ति के साथ में। और इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर प्ले कार्ड है, दोनों ही बातें हो सकती है। यदि आप लोनलीनेस फील करें या आप अनसेफ फील करें इस व्यक्ति के अलग होने की वजह से, या आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में कहीं आगे ना बढ़ जाए या ये इंजॉय कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब सही समय आएगा, उस समय ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, उस समय इसमें डेवलपमेंट होगा। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को, इंजॉय कीजिए अपनी लोन अकेली जो आपकी लाइफ है, आपकी जो फ्री लाइफ है उसको आप इंजॉय कीजिए, और चीज़ों को बहुत अधिक सीरियसली मत लीजिए। और आर्कएंजल रफाइल का भी कार्ड है, हीलिंग का ये कार्ड है। तो जब तक ये रिलेशनशिप से आप सेपरेटेड हैं, आपके पास अपनी स्वयं की हीलिंग के लिए समय है। मेडिटेट कीजिए, बाहर समय बिताइए, नेचर में समय बिताइए, अपने चक्रा बैलेंसिंग का काम कीजिए। और शायद आपने ये सब किया है, इसी वजह से आप इतने हायर वाइब्रेशंस में हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हैं कि आप किसी व्यक्ति का सेपरेशन को इतना पॉजिटिवली ले पा रहे हैं। इस तरह की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और यहाँ पर कॉपरेशन का कार्ड है। जैसा मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आपने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस सेपरेशन को, क्योंकि आपको पता है कि ये करियर बनाने का समय है या ये स्टडी का समय है, इसलिए इस समय में एक दूसरे को समय देना जरूरी है। इस तरीके से सेल्फ
एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉपरेशन के साथ में, जैसे रेल की दो पटरियां होती है, पैरेलल चलते हैं, अलग होते हुए पैरेलल चलते हैं, इस तरह का ये कोई रिलेशन है। अलग होते हुए भी साथ हैं और साथ होते हुए भी अलग हैं, अलग होते हुए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, और साथ अगर हैं, साथ आने की उम्मीद है, लेकिन साथ आने की उम्मीद की वजह से कोई सैडनेस नहीं आ रही, कोई डिप्रेशन नहीं आ रही है। एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सुलझे हुए माइंडसेट के साथ आप इस रिलेशनशिप में हैं और इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसमें लॉयल रहना चाहते हैं, शायद आपके पर्सन भी लॉयल रहना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब थोड़े समय के लिए आप एक दूसरे से मिलते होंगे तो एक क्वालिटी टाइम बिताते होंगे, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे एक दूसरे के साथ, अपने जो आपकी रिचनेस होती है, जो आपकी वेल्थ है, उसको आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हो, अच्छे गिफ्ट देते हो, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हो, इसकी भी काफ़ी संभावना है। और जब आप एक दूसरे से अलग रहते हैं उस समय भी कोशिश करते हैं कि दूसरे को मेंटल कंफर्ट देने की कोशिश करें, दूसरे को इरिटेट ना करने की कोशिश करें, या दूसरे के साथ ऐसा कोई बिहेवियर ना करें कि उनको आपके ऊपर, आपकी लॉयल्टी पर शक हो। तो एक दूसरे के साथ में दूर रहते हुए भी एक बैलेंस के साथ इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेज है, यू होल्ड द की टू माई हार्ट। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन जानते हैं कि वो चाहे आपसे दूर रहें, फिर भी आपके मन में उनके लिए जो स्पेस है, वो स्पेस कोई नहीं ले सकता। और वो कितना भी आपसे अलग हो जाएं या दूर हो जाएं, उनकी जब वो जब डिवाइन टाइमिंग होगा, जब सही समय आएगा, तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आप उनको रिसीव करोगे, ऐसा उनको लगता है। एंड दूसरा मैसेज, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। डेफिनेटली, क्योंकि आपने जैसा मैंने आपको बताया कि आप उनको हर्ट नहीं करते, वो आपको हर्ट नहीं करते, आप एक दूसरे को इनसिक्योर फील नहीं होने देते, और आप दोनों ही एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को अपनी अपनी जिंदगियों में बनाए रखते हैं, और एक दूसरे को ये महसूस होने देते हैं कि आप उनके लिए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और वो भी ऐसा महसूस करवाते हैं आपको कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वजह से शायद अलग अलग रहते हुए भी आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी बैलेंस है, काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। यू आर माई अदर हाफ, सी। और यहाँ पर हमारा डॉग कार्ड था, लॉयल्टी। अलग होते हुए भी अटमोस्ट लॉयल्टी आप दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति। आप एक दूसरे के अदर हाफ हैं, वो मेरा आधा हिस्सा है, मैं उससे कभी सेपरेट नहीं हो सकता, वो मुझसे कभी सेपरेट नहीं हो सकते, मैं उनके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकता, मैं उनके प्रति 100% लॉयल हूँ और वे मेरे प्रति 100% लॉयल है। मैं ऐसा कोई काम ना करूँ कि मेरे पर्सन को हर्ट हो, और वो भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे कि आपको हर्ट हो। इस तरह की बहुत ही जेन्युइन रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में, बहुत ही गहरा प्रेम आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। एलिमेंट वाइज रीडिंग्स देती हूँ मैं, राशियों के अकॉर्डिंग रीडिंग देती हूँ, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग्स करती हूँ समय समय पर, और इसके अलावा बहुत सारी मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल टॉक्स भी हम वहाँ पर करते रहते हैं। तो ज़रूर से मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। और जल्दी ही हाजिर होंगी इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। आई विल बी बैक सून। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।